प्रकृति की ओर। हमारी धरती पर जीवन के अस्तित्व के पीछे सूर्य की बड़ी भूमिका है। हमारे आसपास का पर्यावरण जिस रूप में पृथ्वी पर मौजूद है, उसे कायम रखने में प्रकृति और सूर्य से मिलने वाले प्रकाश के बीच गहरा रिश्ता होता है। अब मौसम को ही देख लीजिए, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के अपने अक्ष पर लगातार घूमने की वजह से हमारी धरती पर गर्मी, सर्दी और बरसात जैसे मौसम बनते हैं। गर्मी में जहां पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, वहीं अधिक सर्दी के मौसम में ये तापमान गिरकर माइनस में चला जाता है। दिसंबर जनवरी के महीनों में यहाँ कड़ाके की ठंड से जीना दूभर हो जाता है। पहले जून के बाद बरसात अपनी दस्तक देने लगती थी, मगर आजकल जलवायु परिवर्तन ने मौसम के चक्र को बिगाड़ दिया है। आजकल हम लोग प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। किसी भी चीज की अधिकता कष्ट देती है। अगर ठंड कड़ाके की हो तो वो उतना ही तकलीफ देती है जितनी प्रचंड गर्मी। पिछले दो दशकों के दौरान मौसम में काफी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि प्रकृति से हमारी बढ़ती दूरी और पर्यावरण को लेकर हमारी बेरुखी इसके पीछे मुख्य वजह है। पहले मई और जून के महीनों में ही तेज गर्मी पड़ती थी, लेकिन आजकल मार्च और अप्रैल में भीषण गर्मी और तापमान वृद्धि महसूस की जा रही है। मौसम के पैटर्न में ये बदलाव आश्चर्यजनक है। मौसम वैज्ञानिक इस पर कहते हैं कि उद्योगों और शहरों की तीव्रता से हो रही वृद्धि इस समस्या के मूल में है। चाहे वो मोटर वाहन और उनसे निकलने वाले जीवाश्म ईंधन हो, या प्रदूषण हो, या फिर वनों का विनाश हो, गर्मी के बढ़ने के पीछे यही मुख्य कारण है। वैज्ञानिक पिछले लगभग 100 वर्षों के दौरान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को दो चरणों में देखते हैं। 1910 से लेकर 1940 के बीच तापमान में औसत वृद्धि 0.35 डिग्री सेल्सियस रही। वहीं दूसरी ओर 1970 से लेकर वर्तमान समय के भीतर ये वृद्धि बढ़कर 0.55 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंची। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पिछले 12 वर्षों के दौरान तापमान वृद्धि ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी कि ये 12 वर्ष सबसे ज्यादा गर्म वर्ष साबित हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस साल अप्रैल के महीने में 21 तारीख को दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में अप्रैल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि मुंबई में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 7 से 8 डिग्री ज्यादा रहा। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। मई के महीने में इन राज्यों में 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर भी गर्मी के मामले में इनसे कम नहीं है। यहां गर्मी के मौसम का अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा है। जिस प्रकार गर्मी और तापमान में वृद्धि का पैटर्न अनियमित मौसम चक्र का सूचक है, उसी तरह मॉनसून से पहले या बाद में बारिश का होना भी असामान्य है। जून 2013 में उत्तराखंड में और 2014 में जम्मू कश्मीर में आई मूसलाधार बारिश इसी तरह के असामान्य मॉनसून के परिणाम थे। दो दशकों से बारिश की अवधि कम होती जा रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो देश के लगभग बाकी हिस्सों में बरसात की अवधि तेजी के साथ सिमटती जा रही है, और इस दौरान गर्मी का मौसम लंबा होता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक भी गर्मी के इस मौसम विस्तार को लेकर चिंतित हैं।
पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि के पीछे मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जिस प्रकार ठंड के दिनों में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित रहता है, वैसे ही गर्मी के दिनों में लू चलती है। ये लू इतनी घातक होती है कि इसके कारण मनुष्यों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की मौत तक हो जाती है। भारत के उत्तरी हिस्से में उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूरब दिशा में चलने वाली प्रचंड गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई और जून में चलती है। प्रकृति की ओर बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे प्रकृति की ओर। इस प्रचंड गर्मी के कारण सबसे ज्यादा गरीब, बेसहारा, बेघर और पूरे दिन मजदूरी करने वाले श्रमिक प्रभावित होते हैं और उनकी असमय मौत हो जाती है। तेज गर्मी और भीषण तापमान की वजह से शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। इसके अलावा प्रभावित व्यक्ति की प्रोटीन कोशिकाएं गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण उनके मस्तिष्क पर बुरा असर होता है। इस लू का तापमान 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखिए सामान्य तौर से जो तापमान बढ़ने शुरू होते हैं, मार्च से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून का कुछ समय अगर मान लिया जाए तो ये 3-3.5 महीने समर के होते हैं। तो इनमें जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से क्या होता है कि उनका जो डिपार्चर है, जो हम कहते हैं कि एक सामान्य तापमान है और उसमें जब वृद्धि हो जाती है, अब उसके लिए अगर हम प्लेन्स की बात करें, अगर प्लेन्स में तापमान सामान्य रूप से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ऑब्जर्व हो रहा है और अगर वो सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो उस स्थिति को हम लू चलना कहते हैं। ये क्राइटेरिया लू का अलग अलग एरियाओं के लिए अलग अलग होता है, पहाड़ों के लिए अलग होता है, कोस्टल एरियाओं के लिए अलग होता है, प्लेन्स के लिए अलग होता है। जब तापमान सभी जगह में सामान्य से करीब 4.5 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है तभी हम लू कहते हैं। या कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे राजस्थान है, पंजाब है, या मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इसमें कई एरिया ऐसे हैं कि जहां तापमान जो ऑब्जर्व हो रहा है वो 45 डिग्री या उससे ऊपर चला जाता है तो उस स्थिति में हम हीट वेव, इसको हीट वेव कहते हैं। और अगर वो तापमान 45 से 46 हो जाए या डिपार्चर 6 डिग्री के आसपास हो जाए तो उस समय हम सीवियर यानी कि जो बहुत ही घनी लू वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं कि वो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। आमतौर पर इसके संपर्क में आने से लोगों को सिर में दर्द, बुखार, शरीर में दर्द, पानी की कमी, उल्टी और चक्कर आने जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए तापमान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसको हम उस तरह से बताएंगे कि वेपोरेशन बढ़ जाता है, जो हमारी वेजिटेरियंस है या जो वाटर बॉडीज हैं उनमें पानी की कमी आ जाती है। तो अगर हमको फसल बरकरार रखनी है तो उसमें फ्रीक्वेंट पानी देना पड़ता है और पानी की कमी के कारण उतनी पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे ईल्ड जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग पे भी बात करें तो जो हमारा सामान्य बॉडी है उसको तापमान को सहन करने की, अगर उसके अगेंस्ट हम जाते हैं तो कई बार कुछ छोटी मोटी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं जिनको हम लू लगना कहते हैं। और ऐसे कई बार सीवियर स्थिति में लू के कारण कई कैजुअल्टी भी संभावित हैं, जो कई कैजुअल्टी भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के जो गर्मी है सामान्य से अगर ज्यादा तापमान बढ़ते हैं तो वो कई सेक्टरों में अपना प्रभाव डालती है। भारत में लू के रूप में बहने वाली ये गर्म हवाएं मुख्य तौर पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के रेगिस्तानी इलाकों और दक्षिणी बलूचिस्तान से उठती हैं। मई से शुरू होकर जून तक
लू के थपेड़े चलते हैं और मॉनसून की दस्तक के साथ इसका प्रकोप खत्म हो जाता है। मनुष्यों के लिए लू से बचने का सर्वोत्तम उपाय होता है घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी या शिकंजी पीना। हल्के सूती के कपड़े से सिर को ढककर ही बाहर निकलना चाहिए। भोजन में तेल मसाले का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और जितना संभव हो तरल खाद्य पदार्थों का सेवन इस मौसम में करें। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान का बुरा असर पौधों और पशु पक्षियों के जीवन पर भी पड़ता है। गर्मी की वजह से पौधों के अंगों और पत्तियों में मौजूद तरल पदार्थ सूख जाते हैं। पेड़ पौधे आमतौर पर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन कर लेते हैं, मगर तापमान में इससे अधिक बढ़ोतरी होने से पौधों की कोशिकाएं धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती हैं। ये अवधि लंबी होने से पेड़ पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। जंतुओं पर भीषण गर्मी का कुछ ऐसा ही प्रभाव होता है। पेड़ पौधे गर्मी के मौसम में तापमान से निपटने के लिए कई सारे प्राकृतिक उपाय करते हैं। जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे भूमि से पानी अवशोषित करते हैं और बाकी हिस्सों को भेजते हैं। पौधों में पानी की मात्रा अधिक होने पर इसे उनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से वातावरण में मुक्त करती हैं। गर्मी के मौसम में भूमि में पानी की मात्रा कम हो जाती है और पेड़ पौधों को भी अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए पानी की जरूरत रहती है। इसलिए गर्मी के दिनों में पानी की खपत शरीर में ही हो, इसके लिए वे अपनी पत्तियों द्वारा कम से कम पानी को बाहर मुक्त करते हैं। कुछ पेड़ पौधे तो पानी को बचाए रखने के लिए गर्मी में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और मानसून आने पर पत्तियां दोबारा निकल जाती हैं। मरुस्थली इलाकों की भूमि में पानी की व्यापक कमी होती है और बारिश का लगभग नामोनिशान ही नहीं होता। ऐसी विपरीत परिस्थिति में वहां उगने वाले पौधे खुद को वैसे माहौल के लिए ढाल लेते हैं। इनकी पत्तियां बहुत छोटे आकार की हो जाती हैं। नागफनी जैसे मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां तो पानी के संरक्षण के लिए कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियों की सतह पर स्ट्रोमेटा नामक सूक्ष्म रचना होती है जो बारीक छिद्र होते हैं जिनसे होकर पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वातावरण में मुक्त होता है। मरुस्थली पौधों की पत्तियों में ये स्टोमेटा एक तो संख्या में कम होते हैं और दूसरे पत्ती के भीतर धंसे हुए रहते हैं ताकि पानी का कम से कम नुकसान हो सके। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए पशु पक्षियों की शारीरिक बनावट और व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। ये अपना प्राकृतिक आवास भी बदल देते हैं ताकि ये अपना अस्तित्व बचाए रख सकें। पक्षियों का प्रवास दरअसल तेज गर्मी और सर्दी के मौसम से बचने का ही एक प्राकृतिक तरीका है जिसे पक्षी नैसर्गिक तौर पर अपनाते हैं। प्रवासी पक्षी सैकड़ों हजारों मील का सफर तय करके गर्म और ठंडी जगहों से निकलकर हल्के गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। जंतुओं में गर्मी से बचने का एक और नैसर्गिक तरीका है ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन। एस्टिवेशन लैटिन शब्द है जिसका अर्थ गर्मी होता है। घोंघा, लेडी बीटल, मच्छर, मकड़ियां, कछुए, मगरमच्छ, सैलामेंडर और मेंढक जैसे जंतु प्रचंड गर्मी से अपनी जान बचाने के लिए भूमि के अंदर छिप जाते हैं या किसी ठंडी और नम जगह पर चले जाते हैं। मनुष्य स्तनपायी प्राणी होते हैं और हमारे शरीर का तापमान नियत रहता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पसीना जब वाष्पित होता है तो हमारी त्वचा की ऊष्मा को अपने साथ लेकर वाष्पित होता है जिसके कारण शरीर का तापमान कम हो जाता है और हम ठंडा और तरोताजा महसूस करते हैं। तेज गर्मी के दिनों में लू लगने या वातावरण का तापमान अत्यधिक बढ़ने की स्थिति में हमारे शरीर का तापमान बेहद बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। विज्ञान की भाषा में इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। ये मेडिकल आपातकाल की स्थिति है जिसमें अगर तुरंत उपचार ना मिले तो प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है।
प्रकृति की ओर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। प्रकृति की ओर। पृथ्वी के तापमान वृद्धि का सीधा असर कृषि और वर्षा के पैटर्न पर भी पड़ा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ लगभग 80 करोड़ लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्भरता कृषि पर है। फसल उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। अभी क्या हो रहा है कि इन तापमान में या वर्षा जितनी हो रही है या जो ह्यूमिडिटी है, इन सब में क्या हो रहा है कि दीर्घकालिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, यही जलवायु परिवर्तन होता है। और ये दीर्घकालिक परिवर्तन जो है सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कृषि जो है एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसमें हमें प्रकृति पर निर्भर रहना अब बहुत ही ज़रूरी है। हम कृषि के किसी भी उत्पादन को किसी फैक्ट्री में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कृषि पे जो है प्रकृति पे निर्भर रहती है। तो अगर प्रकृति में कोई भी परिवर्तन होगा तो अवश्य कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। हमारे देश में किसान अत्यधिक गर्मी वाले मौसम की मार को वर्ष भर झेलने के लिए विवश हैं। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में वर्षों से सूखे की मार झेल रहे किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई है। गर्मी के मौसम के बदलते पैटर्न की वजह से कहीं भारी वर्षा तो कहीं पर सूखा तो कहीं लू जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इनसे फसल चक्र भी अनियमित हो रहा है। किसानों को अनावृष्टि, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए विवश होना पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा की समस्या के अलावा बढ़ती गर्मी की वजह से पेयजल संकट, बीमारियों के फैलने, रेगिस्तान के फैलाव, बेरोजगारी के बढ़ने जैसी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि तापमान वृद्धि के फलस्वरूप मरुस्थल जैसी शुष्क भूमि में बदल रही है। ऐसी घटना से हर साल लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। मरुस्थल का और फैलाव ना हो, इसके लिए व्यक्तिगत और संस्थागत स्तरों पर प्रयास करने होंगे। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण के अभियान, भूमि और पानी का प्रबंधन लोगों की आदत में डालना आवश्यक है। जो लोग भूमि उपयोग के परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं हैं, उनकी जीविका के लिए सरकार या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पर्यटन से जुड़े व्यवसाय उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार और आदतों में बदलाव लाकर तापमान वृद्धि और रेगिस्तान के फैलाव जैसी चुनौतियों को धीरे धीरे कम कर सकता है। पर्यावरण के हमारे अस्तित्व के लिए क्या महत्व है, इस बात को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाकर ऐसी समस्याओं को दूर करना आसान हो सकता है। स्थानीय लोक नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ या कठपुतली शो के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। चिलचिलाती गर्मी बेशक हमें कष्ट पहुंचाती है, लेकिन पर्यावरण के साथ मानवीय हस्तक्षेप ने मौसम के चक्र को बिगाड़ दिया है। बारिश की कमी और भीषण गर्मी ने रेगिस्तान के प्रसार जैसे संकट पैदा कर दिए हैं। पेड़ों को काटकर, नदियों को दूषित कर,
तालाबों को पाटकर और अपशिष्ट उत्पन्न कर हमने अपने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। ये स्थिति और अधिक गंभीर ना बने और हमारी प्रकृति बची रहे, इसके लिए हमें अपनी आदतों में बदलाव लाने होंगे। ज्यादा नहीं, हर एक नागरिक अपने जीवन में एक वृक्ष लगाए और उसकी परवरिश करे तो धरती की तस्वीर बदली जा सकती है। इससे धरती का तापमान बढ़ने से रोका जा सकता है। नदियों तालाबों की उचित देखभाल कर हम इन प्राकृतिक धरोहरों को अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंप सकते हैं। प्रकृति की ओर।